आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव में भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए को प्रचंड बहुमत, पहली बार भाजपा 300 पार। प्रदेश में भी भाजपा की लहर, 29 में से 28 सीटों पर दर्ज की जीत। दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित कांग्रेस के कई दिग्गजों का करना पड़ा हार का सामना। और प्रदेश में लोकसभा चुनाव में 4% बड़ा भाजपा का वोट प्रतिशत, कांग्रेस को हुआ नुकसान। अब समाचार विस्तार से। 17वीं लोकसभा के चुनाव परिणामों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाता हुआ दिख रहा है। एनडीए अब तक 334 सीटों पर जीत दर्ज कर चुका है, जबकि उसे 17 सीटों पर बढ़त मिली हुई है। इसमें अकेले भाजपा ने 303 लोकसभा क्षेत्रों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस की अगुवाई वाला संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए 89 सीटों पर सिमटता हुआ दिख रहा है। इसमें कांग्रेस ने 51 सीटें जीती हैं। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। वहीं सबसे बड़ा उलटफेर कांग्रेस की परंपरागत सीट अमेठी में देखने को मिला, जहां भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को 48,000 से अधिक मतों से हरा दिया। वहीं श्री गांधी ने केरल की वायनाड सीट से 4,31,000 से अधिक मतों से विजय हासिल की है। 17 राज्य ऐसे हैं जिनमें कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई। कांग्रेस के शत्रुघ्न सिन्हा, उर्मिला मातोंडकर, सलमान खुर्शीद, राज बब्बर, सुशील कुमार शिंदे, मिलिंद देवड़ा, संजय राउत, प्रिया दत्त, अशोक चौहान, वीरप्पा मोइली, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे दिग्गज नेताओं को हार का सामना करना पड़ा। प्रदेश में भी भाजपा की लहर साफ दिखाई दी, जहां पार्टी ने 29 में से 28 सीटों पर जीत दर्ज की। इस लहर में कांग्रेस के दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अरुण यादव, अजय सिंह, विवेक तन्खा और कांतिलाल भूरिया जैसे दिग्गज उम्मीदवारों को भी हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस सिर्फ छिंदवाड़ा सीट बचाने में सफल रही। यहां से मुख्यमंत्री कमलनाथ के पुत्र नकुल नाथ ने 35,536 वोटों से भाजपा प्रत्याशी नाथन शाह को शिकस्त दी। वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में 25,837 मतों से जीत दर्ज की। प्रदेश की भोपाल सीट पर पूरे देश की नजर थी। यहां से भाजपा प्रत्याशी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह को 3,64,000 से अधिक मतों से हराया। कांग्रेस की परंपरागत सीट गुना में भी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। यहां पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को करारी हार झेलनी पड़ी। कभी उन्हीं के सहयोगी रहे केपी यादव ने भाजपा उम्मीदवार के तौर पर उन्हें 1,25,000 से अधिक वोटों से हराया। मुरैना में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस के रामनिवास रावत को 1,13,000 से अधिक वोटों से हराया। वहीं टीकमगढ़ में केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कांग्रेस प्रत्याशी किरण अहिरवार को 3,48,059 वोटों से पराजित किया। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन की सीट रही इंदौर से भाजपा प्रत्याशी शंकर ललवानी ने कांग्रेस के पंकज संघवी को रिकॉर्ड 5,47,754 वोटों से हराया। इसी तरह होशंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के राव उदय प्रताप सिंह ने कांग्रेस के शैलेंद्र दीवान को 5,53,682 वोटों से करारी शिकस्त दी। बालाघाट में भाजपा प्रत्याशी ढाल सिंह बिसेन ने कांग्रेस के मधु भगत को 2,42,066 वोटों से शिकस्त दी। वहीं बैतूल में भाजपा के दुर्गादास उइके विजय रहे। उन्होंने कांग्रेस के रामू टेकाम को 3,60,000 से अधिक मतों से हराया। दमोह से भाजपा के प्रहलाद पटेल ने 3,53,411 वोटों से जीत दर्ज की। वहीं देवास में महेंद्र सिंह सोलंकी ने कांग्रेस के प्रहलाद सिंह टिपानिया को 3,72,000 से अधिक वोटों से हराया। खरगोन लोकसभा सीट से भाजपा के गजेंद्र सिंह पटेल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के गोविंद मुजालदा को 2,02,110 वोटों से हराया। वहीं शहडोल से भाजपा प्रत्याशी हिमाद्री सिंह ने 4,03,343 मतों से जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी प्रमिला सिंह को हराया।
वहीं खंडवा सीट से कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव चुनाव हार गए। उन्हें भाजपा प्रत्याशी नंद कुमार सिंह चौहान ने 2,73,000 से अधिक मतों से पराजित किया। जबलपुर से चुनाव लड़ रहे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह ने कांग्रेस के विवेक तनखा को 4,54,744 वोटों से हराया। राजगढ़ सीट से वर्तमान सांसद रोडमल नागर ने कांग्रेस प्रत्याशी मोना सुस्तानी को 4,31,000 वोटों से हराया। वहीं मंदसौर में भाजपा प्रत्याशी सुधीर गुप्ता ने कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन को 3,76,734 मतों से पराजित किया। मंडला में भाजपा प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते ने 97,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की, तो खजुराहो में पार्टी प्रत्याशी विष्णु दत्त शर्मा 4,92,382 मतों से विजय रहे। रतलाम में भाजपा के गुमान सिंह डामोर, सागर में राज बहादुर सिंह, सतना में गणेश सिंह, सीधी में रीति पाठक, उज्जैन में अनिल पुरोलिया, विदिशा में रमाकांत भार्गव, ग्वालियर में विवेक शेजलवरकर ने जीत दर्ज की। यह समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। यह समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा एआईआर न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लोकसभा चुनाव के नतीजों पर कहा है कि वह जनादेश को स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हार जीत चलती रहती है, हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि शायद हम अपनी बात जनता तक सही तरीके से पहुंचा नहीं पाए। कमलनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को जीत की बधाई दी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने प्रदेश में पार्टी की भारी जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को दिया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है, इसलिए जनभावना का ख्याल रखते हुए मुख्यमंत्री कमलनाथ को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रदेश में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट प्रतिशत वर्ष 2014 के मुकाबले कम हुआ है, जबकि भाजपा को 4% ज्यादा मत मिले हैं। इस बार कांग्रेस को 34.50% मत मिले, जो पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले 0.39% कम है, जबकि भाजपा को इस बार करीब 58% मत मिले हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी का मत प्रतिशत 2.36% रहा। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के वोट प्रतिशत में महज 0.13% का अंतर था। प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर इस बार 3.5 लाख मतदाताओं ने नोटा का इस्तेमाल किया। नोटा का सर्वाधिक इस्तेमाल रतलाम सीट पर हुआ, जहां 35,000 से अधिक मतदाताओं ने इसका उपयोग किया। नोटा का मत प्रतिशत 0.93% रहा, जो कई पार्टियों से ज्यादा था। 6 महीने पहले प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो कांग्रेस को उनके मुताबिक 13 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल होना थी। इनमें मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, राजगढ़, उज्जैन, रतलाम, धार, खरगोन और खंडवा सीटें शामिल थीं। इन सीटों पर कांग्रेस को लोकसभा सीट क्षेत्र की आधी से ज्यादा सीटों पर विजय मिली थी। दमोह, शहडोल, जबलपुर, देवास, इंदौर और बैतूल सीटों पर कांग्रेस ने विधानसभा की 50 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिससे इन 6 सीटों पर कांटे की टक्कर मानी जा रही थी। कांग्रेस को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायक के कारण खंडवा व बसपा का सरकार को समर्थन मिलने से दमोह सीट पर भी कांग्रेस की स्थिति को दोनों सीटों पर मजबूत बताया जा रहा था। विधानसभा चुनाव परिणामों की उन परिस्थितियों में कांग्रेस को मिले वोट का गणित लोकसभा चुनाव में सही नहीं बैठ सका, इसके चलते कांग्रेस को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव में भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए को प्रचंड बहुमत, पहली बार भाजपा 300 पार। प्रदेश में भी भाजपा की लहर, 29 में से 28 सीटों पर दर्ज की जीत। दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित कांग्रेस के कई दिग्गजों का करना पड़ा हार का सामना, और प्रदेश में लोकसभा चुनाव में 4% बढ़ा भाजपा का वोट प्रतिशत, कांग्रेस को हुआ नुकसान। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।